हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर जी अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 पर्सनालिटी 2D का भाग 5। ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स बराबर x³ प्लस 2x² प्लस a, ठीक है, के शून्य यानी इसके जो शून्यक हैं पी एक्स जो हमारा है x भगात 5 माइनस x भगात 4 माइनस 4x भगात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b के शून्यक होंगे। कह रहा है इसका क्या मान रखें a और b का, कि इसके जो शून्यक ना इसके भी शून्यक हों, और पी एक्स के ऐसे जो कौन से शून्यक हैं जो इसके शून्यक नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इसके शून्यक अगर क्यू एक्स के शून्यक पी एक्स के भी शून्यक होंगे तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, यानी इससे इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो चलिए इससे इसमें भाग दे के देखते हैं क्या होता है ना? मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। अब भाग देंगे आप तो एक्स प्रघात 5 है, एक्स प्रघात 3 है, कितने से गुणा करना पड़ रहेगा, एक्स प्रघात 2 से, तो 5 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा एक्स प्रघात 5 ये प्लस 2 एक्स प्रघात 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में है ये कट जाएगा, माइनस का एक्स पे घात 4 हम माइनस का 2 एक्स पे घात 4 कितना हो जाएगा, दो बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, जो 3 बार एक्स पे घात 4 चिन्ह क्या होगा माइनस का, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे माइनस 4x³, फिर इन दोनों को लिखेंगे ना, इन दोनों एक जैसे है ना, तो लिख लीजिए प्लस 3x² माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला चिन्ह लेंगे ना, फिर इसको नोट कर लीजिए 3x माइनस है प्लस है तो किससे गुणा करेंगे माइनस से, 3 यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 3 चाहिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक्स पे का 4 है, एक्स पे का 3 है तो एक्स, क्लियर है ना, गुणा करेंगे तो माइनस 3x पे का 4, इसमें गुणा करेंगे 3 का गुणा 2 में ये माइनस है प्लस है तो माइनस 6x पे क्यूब है, सॉरी x पे स्क्वायर है x, तो x पे क्यूब, क्लियर। फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3xa, इसके नीचे लिख लीजिए, फिर क्या माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, प्लस में 6x³ माइनस में 2x³ कितना आएगा 2x³, ठीक है। ये जरा देखिए, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, एक बार और भाग जाएगा, फिर यहाँ पर आइए माइनस क्या बचा एक्स ए एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस दोनों प्लस में है 3xa, क्लियर है ना दोस्तों। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, कमी कितने की है 2 की, यानी और प्लस है प्लस 2 से गुणा कर दीजिए तो 2x³, फिर ये प्लस 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 हो गया, और 2 × 4 x² प्लस 2a, इसको भी लिख लीजिए प्लस का भी, ठीक है, माइनस 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 कट गया, 3 बार यहाँ पे नीचे 2 बार है घट जाएगा ना, तो माइनस का कितना x² ये माइनस ए x², इसमें आइए सेम है, दोनों सेम ही ना, दोनों में क्या है ना आप x कॉमन लीजिए, आप प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे क्या 3 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3a, x कॉमन है
फिर यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, अच्छा इसको पहले लिखिए, इसको लिखिए ना प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचा माइनस का टू ए, क्या बचा माइनस का टू ए, क्लियर है। अब जरा देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा माइनस का वन, या माइनस का ले लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा वन प्लस ए, बचेगा कि नहीं, यानी इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं मिटा दूँ, मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख लेते हैं अब माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस ए, ठीक है इसको मिटा दीजिए। अभी हमने क्या बताया था आपको कि अगर इसके शून्यक इसके भी शून्यक हैं ना, तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो शेषफल शून्य के बराबर आएगा ना, लेकिन यहाँ पर ये शेषफल आ रहा है, यानी ये जो शेषफल है किसके बराबर है शून्य के बराबर है ना, यानी इसको मैं शून्य के बराबर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ना, ठीक है यहाँ पर लिख लीजिए माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है अब प्लस वन प्लस ए है, वन प्लस ए प्लस थ्री कोष्ठक में, सॉरी सॉरी थ्री नहीं है, प्लस थ्री कोष्ठक में प्लस थ्री है, ठीक है और यक्स फिर प्लस क्या है बी माइनस टू ए, ठीक है और बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ जीरो, क्योंकि यही तो शेषफल है ना। अब जरा देखिए ये जो है एक इसके रूप में आ गया कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी रूप में है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर ले दूँ ये जो एक्स है इधर, तो ए हो गया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना, तो इसको भी मैं ऐसे रूप में लिख सकता हूँ ना, ठीक है देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, इस जीरो को इसके बराबर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पर ले जा रहा हूँ ना, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं जरा बताइए आप। जीरो का गुणा इसमें करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो का गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो 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 जोड़ेंगे तो जीरो ही तो आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए आप इन दोनों का तुलना करिए, इस पद का इस पद से तुलना करिए, और इसका इससे करिए, और इसका इससे करिए, ठीक है तो हमारा ए और बी का मान आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस ए, इसलिए कर लीजिए बराबर यहाँ पे जीरो पॉइंट एक्स स्क्वायर, क्लियर है इतना। अब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे तो जीरो है ना, जीरो इसमें गुणा करके जीरो, और जीरो में किसी से भी इससे भाग देंगे तो जीरो ही तो आएगा, यानी यहाँ पे क्या बचा आपका वन प्लस ए बराबर जीरो, बचा कि नहीं, ये माइनस भी इधर आएगा वो भी जीरो ही हो जाएगा। अगर नहीं समझते चलिए एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है बस एक को भेजिए इसको मत भेजिए ना, माइनस को रोक लीजिए, तो यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस वन प्लस ए इधर आएगा तो जीरो पॉइंट एक्स स्क्वायर बट्टे जी एक्स स्क्वायर, ये आएगा ये पूरा जीरो हो गया, ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो वन माइनस ओ माइनस ए यही होगा ना, फिर माइनस एक को इधर भेजेंगे तो माइनस ए बराबर ये इधर आएगा तो प्लस वन, माइनस ए पश्चात करेंगे तो प्लस, फिर इस माइनस को इधर भेज दीजिए ना तो ए बराबर कितना माइनस वन, क्लियर है समझ में आ रही बात। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था ना, माइनस को भी इधर भेज दीजिए तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस ए बराबर जीरो, इसको इधर भेज दीजिए ए बराबर माइनस वन, दो लाइन में हो जाएगा ना, ठीक है लेकिन ये पूरा डिटेल्स है आपको समझ में आएगा। चलिए अब ए का मान हमको मिल गया, बी का मान निकालना है ना, इसको भी और तुलना करेंगे ना इसको इससे तो भी ए का मान इतना ही आएगा माइनस एक, देख लीजिए। चलिए अगर आप लिखते हैं थ्री प्लस थ्री ए बराबर सॉरी एक्स है ना बराबर जीरो पॉइंट एक्स, ठीक है अब इसको इधर भेजेंगे इसको ये गुणा में है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ जाएगा ये तो पूरा जीरो हो गया बट्टे थ्री प्लस थ्री ए,
यानी एक्स का मान, सॉरी इसको ऐसे मत करिए, ठीक है, इसको ऐसे ना करिए, हमको एक्स का मान निकालना है ना, तो हम इसको नहीं, इसको भेजेंगे ना, तो 3 + 3 ये इधर आएगा, क्योंकि हमको तो एक मान निकालना है ना, ये इधर आएगा तो 0/x, तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसको वैसे लिख लीजिए, चलिए ये 3 को इधर भेज लेंगे ना, तो एक लाइन और, चलिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 3 है। अब इसको इधर भेजेंगे तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 3a बराबर, ये इधर आएगा तो -3, फिर a बराबर -3/3, ये कट जाएगा तो a बराबर -1, क्लियर है, ठीक। हमको x का मान निकालना रहेगा तब इसको भेजेंगे ना, हमको a का मान निकालना तो x को भेजेंगे, क्लियर। तुम्हारा x का a का मान निकाल गया तो इसको करने की जरूरत नहीं, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, चाहे इसको एक बार लीजिए चाहे इसको, दोनों में किसी एक को करिए, दो बार करने की जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए मैं बता दिया हूँ कि इससे भी आ जाएगा मान और इससे भी मान आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, हमको अब निकालना है b का मान, ठीक है, ये वाला b वाला पोर्शन है, तथा b -2a बराबर 0, b का मान निकालना है हमको ना, तो b बराबर, इसको इधर भेजिए तो माइनस में यहाँ पहचान करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2a, टू ए का मान कितना है -1, गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1, गुणा करेंगे तो -2, बी बराबर -2। तो हमको क्या पूछ रहा था कि बी और ए का क्या मान रखें कि इसके शून्यक भी इसके शून्यक होंगे, तो हो गया हमारा, लिखेंगे यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, अतः ए बराबर -1 तथा b बराबर -2 के लिए, ठीक ना, ये qx है ना, qx इसको मैं मिटा दिया था, शुरू में लिखा था, आप भी लिखेंगे, ठीक है ना, जगह कम है इसलिए मैं मिटाया था, आपको मिटाना नहीं है, तो लिखेंगे qx जो भी है यहाँ पे के शून्य, ठीक ना, px के भी शून्यक होंगे, ठीक है ना, ये तो पूछ रहा था ना कि a और b के किस मान के लिए qx के शून्यक px के शून्यक होंगे, ये एक px तो हमने पा लिया। अब क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके आगे भी कुछ पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा है देखिए जरा, इसको पूछ रहा है कि पी एक्स के कौन से शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं है ना, यानी पी एक्स के और भी शून्यक होंगे ना, दो ही तो होंगे नहीं, तो वो कौन से शून्यक हैं जो इसके शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे करते, मैं इसको इतना मिटाता हूँ ना, उसके बाद से फिर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, मैं इतना मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसको लिखना है, अब जरा बताइए आप कि ये जो पी एक्स है ये तो हमारा भाज्य है, तो इसके बराबर क्या आएगा, इसका गुणनफल ये और प्लस एस फल यही था ना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ पी एक्स बराबर, ये लिखेंगे आप चाहे इसको लिख सकते हैं, नहीं तो बस पी एक्स लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस ए ना, किस और किसका गुणा करेंगे, ये वाला जो x² है, x² -3x + 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, ये जो है ये पूरा ये किसके बराबर है, इन दोनों के तो बराबर है, सारे सवाल आप लगाए हैं ऐसे, कन्फ्यूज मत होइएगा ना, जो भी हम लोग करते थे पहले भाग देते थे, भागफल जो आता था उसका भाजक में गुणा करके ऐसे लिखते थे ना, पी एक्स बराबर,
तो ये किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर। अब इसका तो हमको मालूम है ना किसके शून्य किसके शून्य है, हमको बस इसी को सॉल्व कर दें और एक्स का मान निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका तो हमको ज्ञात ही है, इसको ऐसे लिखना है। इसको ज़रा देखिए, माइनस तीन एक्स को ऐसे दो खंड में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस तीन एक्स आया, गुणा करने पर प्लस का दो, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स और माइनस टू एक्स अब प्लस टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बार माइनस एक्स, दो बार माइनस एक्स, तीन बार माइनस एक्स और माइनस माइनस का गुणा प्लस और दो एक करने दो, क्लियर। फिर इसको वही लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स कॉमन है, बचा क्या है यक्स और माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस टू कॉमन लीजिए, यक्स माइनस वन बचेगा। अब हमारा लास्ट स्टेप ये फिर से लिख लीजिए, इसका मतलब है इसको लिखना है, आप ये ऐसे मत करिएगा, लिख लीजिएगा ठीक है ना। और यक्स माइनस वन और यक्स माइनस टू, फिर आप लिखेंगे यदि, तो लिख ली चाहिए यदि, लिख ली चलिए यदि, यदि ठीक है, यदि यक्स माइनस वन बराबर जीरो तो यक्स बराबर वन, फिर तथा यदि यक्स माइनस टू बराबर जीरो तो यक्स बराबर टू, क्लियर। यही वो दो शून्य हैं जिनका जो इसके शून्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं कहाँ इसको मिटा लेता हूँ ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अतः पी एक्स जो मतलब ये जो है वो लिखेंगे पी एक्स का जो मान था ना, पी एक्स के शून्य शून्य क्या है, एक और दो, एक और दो, क्यू एक्स के शून्य नहीं होंगे, क्यू एक्स के शून्य नहीं होंगे, क्लियर। हमको यही दो ज्ञात करना था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक साथ लिखना है ठीक है। मैं इधर उधर इसे लिख कर रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है ना, आपके पास बहुत बड़ा कापी रहेगा तो सीरियल से आप लोग करिएगा ठीक है, जैसे जैसे मैं किया हूँ, तो ये दोनों एक साथ रहेगा ना ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस तीन को एक्स माइनस तीन से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है तो के का मान ज्ञात करो ठीक है, और भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद इतना एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 के शून्य ज्ञात करिए। दोस्तों ये सवाल आप करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बताया हूँ, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप करिए, इसको नोट करिए होमवर्क के लिए, और इसके जो भी आंसर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा एक बार ठीक। तो फिलहाल मैं आपके लिए होमवर्क है और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर दोस्तों ये सवाल आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको बता दूंगा ठीक है। लेकिन एक बार ट्राई तो करिएगा आप, और एक बार ट्राई करके देखिएगा ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।